रात को समाधान थोड़ी ना है, दिन में नहीं कमाते हम, दवाई दिवा ले वहाँ तकलीफ कम कदे कम ज्यादा बढ़ सका है, और या दिन में आ जाए तो इतनी तकलीफ ना हो इसका। तो राम नवमी सारा ना हमारे ग्रुप लोग में आपका फिर तो स्वागत भाई। टाइम तो ही हो रहा है, एक बज रहा है, क्योंकि इसकी पूनम की तबीयत घनी खराब हो रही है। और इसी मैं कहूँ चल दवाई दवा ले, अनु कहेगी ना जाते मेरे टिक्के लगाओगे मना एडमिट भी कर लेंगे, मैं ना जाती मैं ठीक खड़े हो जाऊंगे, और ना गोली ले रही है के करावा इसका, ना जीव ना मरू वो काम हो रहा है इसके गलत। चल चल ना फिर पड़े पड़े के ठीक होगी, फिर पड़े पड़े थोड़ी ठीक होगी, कल कल भी देखे थी तू, आज आज भी देखेगी, फिर कल फिर देखेगी तू। हाँ तो क्या मैं तो गोली दवाई देगा, चल खड़ी हो ना ले यार, चल चल ना। चलो बढ़िया ना ले खड़ी हो ले, अब चल दवाई दवा लो, गाड़ी ले चल लूंगा, कोई दिक्कत कौन है, फिर लग गएंगे भाई, क्या बात होगी। फिर होगे तो होगे, बीमारी तो ठीक हो जाएगी। हिम्मत तो मारनी पड़ेगी, चल चल नाले नाले शाबाश ना है, पाछा आधी बीमारी तेन दूर हो जाएगी। मेरा भी नोए दुख था, मना लिया ना ठीक हो गया, ये बस जुखाम जुखाम रह गया मेरा, कल एक कदम पापा तक वो तू पूछ खड़े जाना खड़े ना जाना, वो खड़ी है तू पूछना मैं ना, वो बकवास मत कर, ड्रैगलिंग तेरी करवा दूंगा ना ले, हाँ हिम्मत को कुछ कौन तू ना ले खड़ी हो। पापा मेरे पूछो आ रहा नू कह रहा तू खड़ा ना उसे दवाई ना दवा के लाता, और मैं को दस पर पापा तो कह लिया पापा वहां नाटा सर, फिर भी मेरे सर हो रहा बोला तू ना दवा के लाता, हाँ डिस्पेंसरी में दवा लेंगे, तू खड़ी हो ले एक बार। पानी पी लिया नहा ले, तेरे पा तो कबर में जान हो रहे हैं, और तेरा जक नहीं पड़ती, फिर दवाई लिया, दवाई लेने की तेरी आसन कौन है, काम करने की आसन है ना, दवाई कह दे तो मेरे तो उठा ना जाता, तड़का तड़का हरसू ले आवेंगे, हाँ दूनी हो जाए ना फिर, हाँ ये टें 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 पे करती छोड़ दे ना, छोड़ दे कोई कुछ कह रहा हो तो उसकी मान भी लेनी चाहिए। फिर दवाई लेने की हिम्मत कौन है तेरी, है ना काम करने की तेरी हिम्मत होगी, हम दोनों बाप बेटा तो सुबह तक कहने लग रहे कि बेटा दवाई लिया चल दवाई लिया, पापा न्यारा पाछा पढ़ रहा है, मैं न्यारा पाछा पढ़ रहा हूँ, चल दवाई लिया, पापा कह बेटा दवाई लिया, ठीक है जिसे तेरी मर्जी हो जाएगा, थोड़ी और क्यों होता। तो भाई मैं भी ले आऊं दूध, मेरा शरीर थकावट सा हो रहा है, क्या कर रहा है, कल एक कदम वो जूस पिया, वो ना नींबू पानी पिया ना, वो एकदम सेहत गया, अरे तो चलो बेरा कितना बोझ हो रहा शरीर में, क्या तो हो रहा बेरा ना भाई, एक कदम की आग लाग की भगवान दोनों आएगा, चलो ये दूध लिया भाई मजाक के लिए।
रोया तो कोई समाधान थोड़ी ना है, दिल में नहीं कमाते हम दवाई दीवाने में, तकलीफ कम कदे कम ज्यादा बढ़ सका है। चलीब दीवा ले हूं तुम पाओगा तो लगा दी पापा लगा दी। ये भी कहूँ हूँ मैं चाल ले दरिया पीसना मैं। हाँ चल चल हाल खड़ी हो क्या मतलब दवाई देवेंगे वो तकलीफ बढ़ती जाएगी। ये भाई पूरा दिन तो मानना कौन है और अपनी आई करनी। चल चल खड़ी तो गाड़ी का टायर भी पंचर हो रहा है तेज देखा चलाऊ था जब चलो हवा भर किनार फेर लेके जाऊंगा। अरे यार दिन में आ जाए तो इतनी तकलीफ ना हो इसको। ये थोड़ी चेहरे पर नकाई है दवाई लिया हॉस्पिटल में है बचा तो आदमी तो वही ठीक हो गया है जिसको तकलीफ हो। तो फिलहाल दवाई ले आई और डॉक्टर ने नबिया बात कही है कि मतलब 5 दिन की दवाई दी वैसे तो, लेकिन आज और कल और दर्द बर्दाश्त कर अगर जितना कंट्रोल हो सके, क्योंकि फिर यह दिक्कत 2-4 दिन बाद से फिर दवाई लेगी दवाई खत्म होने का फिर शायद यह दिक्कत हो सके है। तो एक बार 2 दिन और दर्द कंट्रोल करके देखा, अगर दर्द कंट्रोल हो जाए मतलब ठीक हो जाए लागे कि भी हाँ आराम है तो मतलब दवाई लीए, मतलब अगर नू लागे भी दिक्कत बढ़ती जाने लग रही है तो फिर दवाई शुरू कर दी है 5 दिन की। और हिप चावल बनाऊँ रोटी खातर पापा नाट गए, वो भी नाट गए बोले चावल बना दे मत गर्मी में रहे प्रेसर डॉक्टर ने वो ठंडे के दिए और तो क्या दे बस। कमर में इतना पैन हो रहा है, पेट में भी बहुत ज़्यादा और पैर और सारा शरीर में कप 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 करे जा सारा दिन बेचारा कमर पेट दब तो बतेरा मसाला फिर क्यों फायदा, दर्द तो रहना रहना है। और पापा जरा बैठे हैं बातचीत करने लग रहे हैं और मैं मेरा काम कराने लग रही हूँ। तो फिलहाल चावल तो मैंने छोंक दिए और ये रसोई साफ करके आई हूँ, बस इतनी हिम्मत थी फिर पसीना और सांस से पैर में दर्द होगा तो थोड़ा एक बारी पसीना सुखा लूँ फिर मतलब काम तले बढ़ गए चावल बने पर अच्छे बस गाल गाल के उठ देने हैं और फिर बर्तन साफ करने हैं बस फिलहाल का तो यही काम है। लेटे लेटे भी कमर में घना दर्द हो गया, घूमूँ तो पैर दुख है मतलब थोड़ा बहुत सोचो घूम फिर ले। वैसे शाम ने झाड़ू पोछा कर हमने क्योंकि 20% आराम था, फिर मन सोचा मैं कल के अबरा फिर दिक्कत होगा ना हो कि होगा कल का कुछ नहीं पता किसी ने, तो फिर मैंने झाड़ू पोछा कर दिया मतलब के कपड़े धो लिए राम राम तौर तो क्यों हुआ था बस टिक्के टाके लगाओ थे टिक्के टाके मैंने लगवाए को मैं वैसे दवाई दे दे जहाँ तक आराम हो ही जाएगा ना आया तो फिर बाद में लगवाऊंगा कोई दिक्कत को ना। और मैं चाहूँ पापा और वो बैठे उड़ा नहीं का दौरे बैठूँ थोड़े बाद क्योंकि सारा दिन हो गया मैं अकेले कमरा पड़े 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 मैं थोड़ा पापा गल बात कर लूँ और उसने लड़ाई कर लूँ। तो फिलहाल रोटी राटी मतलब चावल तो हमने खा लिए थे और टाइम हो रहा है 12:15 और ये मैंने कपड़े का प्रेस करिए क्योंकि उस दिन धोए थे तो बहुत ज़्यादा हो रहे थे मंगाई सारी रात काटनी मुश्किल हो जाए तो थोड़ा टाइम पास सा हो गया दर्द दर्द में प्रेस भी होगी। और मैं तो बीमार थी और मेरे जाट सी मेरे पति देव ही इनका ही बुखार हो गया, मैं तो बीमार हो रही थी और आज दवाई ले आई थी और कदेश पर पैर दबाओ कदे आती भी वो भी बीमार हो गया मेरे चक्कर में आज इसका ही बुखार चढ़ गया। नहीं मेरे पति देव काल देखो क्या हो रहा है। हाँ जी कैसा लग रहा है फिर बुखार चढ़ गए देह टूटने लग रही है और बुखार हो रहा है पैर भी दब थोड़े मन इसके और दो गोली गाली दी है नोनू लग दो किसी ने मैं पीट रखा लेकिन पीटा तो इसने कौन था पर फिर भी वह बात इसका शरीर दुख है जुकर मेरा दुख नु इसका दुख है एक दूसरे के साथ ही है दोनों।
तो भाई फिलहाल आज का व्लॉग ये हुआ था, अगर अच्छा लगे तो अपने मेरा चैनल ना सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक कर दियो, शेयर कर दियो और कमेंट कर दियो। कल फिर मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।